2000 years later. Oh guys, welcome back to the channel. तो कैसे हैं आप लोग सब? I hope you guys are safe and good. चलो guys, आज के इस वीडियो में कुछ अलग करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है बैंगलोर में अभी फिलहाल ऊटी, कश्मीर, स्विट्जरलैंड सब बना हुआ है. अगर बैंगलोर में हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या हो रहा है बैंगलोर में. हाँ, 1 week से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं. अगर बाहर जा रहे हैं तो भी बहुत ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है. तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने सोचा है कि एक छोटा सा रूम टूर करा दूँ. आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा. और गाइस, अगर आप नए हो इस चैनल में, जाकर अभी सब्सक्राइब कर देना. एंड थैंक्स फॉर 1K. ऐसे ही मेरे को कॉन्फिडेंस देते रहे आप सभी लोग. क्रिकेट के वीडियोस बहुत सारे आते रहेंगे. तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. तो गाइस, ये है हमारा घर और ये है मेरा रूम. बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, क्या भैया आप रूम पे रहते हो क्या? रूम पे नहीं रहता हूँ मैं, बेसिकली फैमिली मम्मी पापा के साथ, भाई लोग के साथ रहता हूँ मैं. तो ये है मेरा छोटा सा एक जापनीज टाइप रूम, जो कि मैंने इसको स्टूडियो बनाने का प्लान किया है. तो अभी मैं धीरे से एक वन बाई वन एक जगह से एक्सप्लेन करते आता हूँ. तो ये दरवाज़ा बंद करते ही आपको यह वाला जुगाड़ मिल ही जाएगा, जैसे यहाँ पे जो हैंगर लगा हुआ है कपड़े का. यहाँ से यहाँ पे आ गए तो मैं मिल जाऊँगा आप सभी लोगों को मिरर में. और ये कबर्ड में आप देख सकते हैं पूरा जर्सी सी पड़े रहेंगे, क्योंकि मैचेस के मतलब कोचिंग के कोचिंग भी करने जाता हूँ, तो इसीलिए बहुत सारे कोचिंग के भी कपड़े, खेलने के भी कपड़े. मेरे कैजुअल्स कपड़े बहुत कम है मेरे पास. आप देख सकते हैं जो भी है सब जर्सी सी मिलेंगे आपको. तो ये है मेरा कबर्ड. नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत शॉर्ट्स पड़े रहेंगे, जैकेट्स पड़े रहेंगे, और ये जो भी मैं सॉक्स यूज़ करके रखा हूँ, जो भी सॉक्स वगैरह सब पड़े. और स्टार्ट करते हैं. ये देख सकते हो बैट का सेशन, जैसे स्पोर्ट्स शॉप में रखते हैं ना, ऐसा सेशन बना के रखा हूँ मैं भी यहाँ पे. यहाँ पे थोड़े बहुत जो भी मैंने आज तक जो भी मेडल पाए हैं उसका मतलब स्टैंड बनाने ये नहीं मिला है, बट इसको क्या किया हमें नेल्स उसको ठोक के यहाँ पे लगा दिया हूँ, और कैप्स रखने का भी जुगाड़ कर दिया हूँ मैं. और यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन फ्लैग, मेरा भारत महान, आई लव माय इंडिया. यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बहुत जुगाड़ करके रखा हूँ टेबल के नीचे भी, जो भी यहाँ पे बॉल्स दिख रहे हैं और बॉल्स भी पड़े हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ आप सभी लोगों को. तो ये जो भी बॉल्स देख रहे हैं मेरे पास होगा मे बी 80 to 100 बॉल्स है, जो कि मैं नॉकिंग के लिए रखा हूँ, बैटिंग वगैरह ड्रिल्स वगैरह सब करता हूँ उसके लिए. ये सब लेदर बॉल्स, वाइट रेड जो भी है, ये सब बॉल्स रखा हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए. इसके नीचे देख सकते हैं आप थोड़ा वाइट पैड्स रखा हूँ, और ये हैमर जो सीज करने के लिए, बैट सीज करने के लिए रखा हूँ. ये सब जगह नहीं है, क्या करें भाई, इसीलिए ऊपर नीचे सब यहाँ वहाँ सब घुसा के रखा हूँ. और यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेबल में जो भी वर्क स्टेशन के ऐसा, मैं इतना सारा पेन तो रखा हूँ बट कभी किसी चीज़ में काम नहीं आया है. बट ट्रस्ट मी, मैंने सुना है कहीं से और मैं जानता भी हूँ कि ये पेन इज़ द बिगेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड. इफ़ यू अग्री कमेंट सेशन में हाँ बोल के बता देना. तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लैपटॉप है, जो टूटा हुआ लैपटॉप. ये देखिए क्या करके रखा है मेरे भाई ने, इस देखो, वाओ, देख रहे हो ना क्या करके रखा. बेसिकली ये क्या हुआ, मेरे भाई ने बगल में लैपटॉप रख कर कुछ सुनते मतलब कुछ सॉन्ग्स या कुछ देखते सो रहा था, नींद में वो लैपटॉप के ऊपर चढ़ गया. अभी लैपटॉप का हाल ये हो रखा है. फिर भी क्या करें भाई, चलाना पड़ता है जुगाड़, एटलीस्ट चल तो रहा है. देखिए मेरे व्लॉग्स देख रहा हूँ मैं, एडिट तो करना पड़ता है ना, क्या करें, यूज़ करना पड़ेगा. और पीछे आप देख सकते हो हाँ यहाँ पे बॉल रखा हूँ, हाँ SF काउंटी KSA लोगो. और ये ट्रॉफीज आप देख सकते हैं, जितने भी ट्रॉफीज मैंने मतलब यहाँ वहाँ कॉर्पोरेट हो या कहीं भी
बेस्ट कभी ना कभी मतलब बेस्ट बैट्समैन मैन ऑफ द मैच मिला, तो ये सब ट्रॉफीज हैं मेरे और बहुत सारे हैं बट अभी फिलहाल इतने ही हैं, पता नहीं बाकी किधर हैं। तो ये है छोटा एक टेबल सेटअप देख सकते हो आप, जिसमें मैं जो भी वीडियो ब्लॉग्स बनाता हूँ आके यहीं पे बैठ के एडिटिंग करता हूँ, अपलोड करता हूँ। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये लाइटिंग भी कराऊँ, डिस्को ऐसा बना देता हूँ घर, थोड़ा इवनिंग के टाइम थोड़ा माहौल बन जाए, इसीलिए आप देख सकते हो। आ देखो हाँ हाय हाय हाय, थोड़ा अंधेरा हो गया होगा बट देखो ऐसा सा बना के रखा हूँ। तो वैसे ये है किंग साइज्ड जापनीज बेड, जिसमें मैं बहुत ही कंफर्टेबल फील करता हूँ क्योंकि नीचे सोने का आदत है इसीलिए नीचे सोता हूँ। और साथ में ये एक जो टेनिस बैट है ना, सॉरी टेनिस बैट नहीं है, ये मच्छर मारने का बैट है, तो ये भी लेके सोता हूँ क्योंकि अटैक होता है रात में, बहुत ही लेट नाइट में कभी कभी अटैक कर देते हैं, समझ रहे हो ना अटैक, तो सेफ्टी के लिए ये रखता हूँ साथ में। और ये एक सिंपल सा रूम जिसमें मैं रहता हूँ, किसी को भाई लोग हैं मेरे उनको अलाउ नहीं करता मैं, खुद सो जाता हूँ मैं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो इस जगह में मैं थोड़ा बहुत शैडो प्रैक्टिस कर लेता हूँ, जो भी डिफेंस ड्राइव कट पुल स्वीप जो भी शॉट मेरे को मैचेस में या नेट्स में मुश्किल मुश्किल हो रहा है, तो उसको मैं आकर यहाँ पे थोड़ा बहुत 15 मिनट्स 20 मिनट्स शैडो प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ। आप भी कीजिए, अगर आपका नेट्स में या मैच में अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो आप आकर 10-15 मिनट्स कीजिए, 100-200 टाइम्स कीजिए, इससे क्या होता है आपका जो मिस्टेक हो रहा है मैच और नेट्स में वो थोड़ा बहुत अवॉइड होने लगेगा। तो शैडो प्रैक्टिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप भी घर पे जब फ्री रहते हो जस्ट एक बैट उठा लेना, शैडो करते रहिए। आई हैंड कोऑर्डिनेशन का भी थोड़ा ड्रिल्स कर लेता हूँ घर पे ही रहते हुए, आप भी कर सकते हो, उससे आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव हो सकता है। Thousand years later. तो गाइस अभी चलते हैं बाहर की तरफ बालकनी में, तो यह है बालकनी का व्यू आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं खड़ा होके फ्रेश एयर लेता हूँ और साथ में मच्छर भी मारता हूँ कभी कभी, जस्ट जो बैट रखा हूँ सेफ्टी के लिए, मच्छर कहीं पे भी आता है इसीलिए। तो ये था आज का एक छोटा सा रूम टूर, आप लोगों को पसंद आया होगा। यहाँ पे मैं किट भी रखता हूँ बट अभी मैचेस चल रहे हैं वीकेंड्स में, तो वो किट को मैं एकेडमी में रखा हूँ। तो गाइस बेसिकली ये एक छोटा सा रूम टूर था जो कि मैंने सोचा भी नहीं था करेंगे, बट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कहाँ रहते हो भैया, क्या आप अकेले रहते हो या फैमिली के साथ रहते हो। फैमिली के साथ रहता हूँ मैं, मम्मी पापा भाई लोग के साथ रहता हूँ। तो ये है मेरा एक रूम जो सेटअप मैं करके रखा हूँ, यहाँ जहाँ पे मैं बैट्स रखता हूँ, बॉल किट वगैरह जो भी रखता हूँ वो दिखाया मैंने आज। आई होप आप लोगों को ये एक छोटा सा होम टूर अच्छा लगा होगा, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक्स फॉर 1K, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे 1K होंगे बट आप लोगों ने मेरे 1K किए, अभी आप लोग ही आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करना। अभी टारगेट होगा 2K के लिए, मैं ऐसे ही हार्डवर्क करूँगा, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाऊँगा आप सभी लोगों के लिए, बस आप लोग सपोर्ट करते रहना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी पहुँचे ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जो कुछ भी मैं क्रिकेट के बारे में शेयर करता हूँ उन तक भी पहुंचे और उनको भी पता चले। तो आई होप अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, टाटा बाय बाय।